वेंट और पंप फंक्शंस कहाँ से होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। नॉर्मली क्लिक ऑन टूल्स, गो टू कंट्रोल पैनल या पैनल या कंट्रोल पैनल, दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है ये एसएम कंट्रोल्स, एसएम कंट्रोल डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाए। तो नॉर्मली जो एसएम कंट्रोल्स हैं उसमें मेरा गन ऑन ऑफ, अपर्चर, स्टेज का वैल्यू क्या है, वीपी कंट्रोल, वीपी मीन्स वेरिएबल प्रेशर कंट्रोल, हम यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्यूम का स्टेटस क्या है, सिस्टम वैक्यूम मीन्स सबसे पहले हमारा हम वैक्यूम के बारे में सोचें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पंप रनिंग में है और वेंट इसलिए हाइडेड है क्योंकि आप वो पंप में है और आप वेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम वैक्यूम मीन्स ये चैम्बर वैक्यूम। ओके, ठीक है, गन वैक्यूम मीन्स जो इसका गन वाला एरिया है उसमें वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम्स का जो रीजन है वो टू रीजन है, वन इज चैम्बर जिसको हम सिस्टम वैक्यूम बोल रहे हैं, अनदर वन गन वैक्यूम जो फिलामेंट वाला एरिया है उसको हम गन वैक्यूम बोल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो मेरा वैक स्टेटस है वो पंपिंग में है, मतलब अभी मेरा वैक्यूम के रीजन में वैक्यूम अभी इनेबल नहीं हुआ, उस रेंज तक वैक्यूम नहीं पहुंचा है जहां पर मेरा वैक्यूम में स्टेटस यस हो। हम इमेजिंग जब ही कर सकते हैं जब मेरा वैक्यूम में स्टेटस रेडी हो और ईएसटी वैक्यूम रेडी यस हो, हम उसी सिचुएशंस में इमेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे। जो मेरा वैक्यूम का लेवल है जहाँ पे मेरा ये रेडी होगा वो नियर बाई माइनस फाइव टू सिक्स, माइनस सिक्स एम्बर के बीच में लाइट। तो अभी आप देखिए इसका नियर बाई माइनस फाइव पहुंचा और मेरा ये वैक्यूम स्टेटस रेडी होगा, मतलब ये मेरा वैक्यूम लेवल है, लेकिन फिर भी थोड़ा वेट करना है ताकि थोड़ा और अच्छा वैक्यूम हो। ये ईएसटी स्टैंड फॉर मतलब आपके ये फिलामेंट हाई टेंशन, माइनस इलेक्ट्रॉन हाई टेंशन। ठीक है, तो अभी आपका वैक्यूम रेडी हो गया। ठीक है, आपका मतलब ये सिचुएशन है जिस टाइम पे मेरे को बीम ऑन करना है, मेरा वैक्यूम स्टेटस रेडी, कॉलम चैम्बर ओपन एंड ईएसटी वैक्यूम रेडी है, ये आपका रेडी होना चाहिए, ये रेडी होना चाहिए, ये रेडी होना चाहिए और ये यस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका आपको ये पता चला कि मेरा सिम कंट्रोल कहाँ से है, टूल्स में जाना है, क्लिक ऑन गो टू कंट्रोल पैनल या गो टू पैनल, ठीक है, और जस्ट डबल क्लिक ऑन सिम कंट्रोल। सिम कंट्रोल्स में भी मेरे सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले मुझे ऑप्शन जो यूज करना है वो वैक्यूम का करना है। तो मेरा वैक्यूम हो गया है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे गन ऑन करना है। तो आप गन ऑन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ से करना है ईएसटी रनिंग मीन्स अभी वो थोड़ा टाइम लेके जैसे कंप्लीट होगा तो स्टार्ट हो जाए। तो आप इसमें कोई भी एक ये डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, 5 जनवरी टाइम चेंज कर सकते हैं, सिग्नल कौन सा है, सिग्नल्स मीन्स कैमरा को मतलब कैमरा कौन से यूज करें, कौन से डिटेक्टर यूज करें। अब आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ये डिटेक्टर्स शो हो जाएंगे कि आप कौन कौन से डिटेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, SE2 है, इन लेंथ है, VPSD है, GDBSD जो भी है,
वी आर की स्टेबिलिटी ओके। तो अभी नॉर्मल हम इस मोड में हैं, तो मेरा ये टीवी मोड है, इसको हम टीवी मोड बोलते हैं, मतलब सीसीटी मोड, टीवी मोड। और अभी मेरा ये सब ऑन हो गया है, तो अभी मैं नॉर्मल्स मीन्स मैं स्विच कर रहा हूँ अपने एनालाइज कंडीशन में, ठीक है, डिटेक्टर कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। तो नो जो फंक्शन में यहाँ से यूज कर सकता हूँ वही फंक्शन में यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ये मैनुअल यूजर इंटरफेस है, ये आपका जो है डिस्टिक से आप मैग्निफिकेशन यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप मैग्निफिकेशन यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन फोकस ओके ठीक है। ये आपका फोकस है, और फोकस आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, और फोकस आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं माई माउस, एज पर योर कंफर्टेबल ठीक है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, आप बाई सॉफ्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट और कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑन हो गया ठीक है। अलग अभी मैं जो नॉर्मल मोड किया ठीक है, आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। कैमरा कौन सा, अभी मैं टीवी मोड यूज कर रहा हूँ, और अगर मैं स्विच मोड यूज कर दूंगा मतलब कैमरा पे क्लिक कर दूंगा तो आपको नॉर्मल मोड में मतलब डायरेक्ट मोड में चलेगा ठीक है। और जो आपका बीम शिफ्ट और मतलब आप एक्सिस में बीम को मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। स्कैन रोटेशन, स्कैन रोटेशन सपोज आपको कोई फीचर है जो थोड़ा टिल्ट है और आप उसको हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, तो आप स्कैन रोटेशन से कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अपर्चर एक्स और अपर्चर वाई, अपर्चर एक्स को थोड़ा मतलब वही एक्स और वाई डायरेक्शन में कि आपको लग रहा है कि आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, तो आप वॉबलिंग सेट करते हैं ठीक है। मतलब वॉबलिंग क्या है, हमारा बीम के डिसअलाइन है आपके, आप फोकस ट्राई करेंगे लेकिन वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा ये, तो उसको उस मूवमेंट को जीरो करने के लिए हम ये यूज करते हैं वॉबलिंग। सर फ्रीज और वॉबलिंग में क्या बदलाव, फ्रीज आपका इमेज कैप्चर है ओके सर ठीक है, और इसको फिर कैसे क्लिक कर देंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा, मतलब वो इमेजिंग मोड में क्लिक करेंगे। अब मैं कोई इमेज एक्वायर करनी है, कैप्चर करनी है, तो फ्रीज को क्लिक कर देना है, वो सेव कर देंगे। स्टिगमेटर और स्टिगमेटर वाले समटाइम्स जैसे आप वर्किंग डिस्टेंस बढ़ाएंगे या फिर मैग्निफिकेशन से बढ़ाएंगे तो आपका जो लेंस एब्रेशन वहाँ पर काम करते हैं, तो लेंस एब्रेशन को मतलब बीम आपका सर्कुलर नहीं होगा, तो एक्स वाई स्टिगमेटर के नॉब के थ्रू हम उसको सर्कुलर ट्राई करेंगे, उस सिचुएशन में आप फोकस कर सकते हैं, या तो डायगनली मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, फोकस नहीं होगा, तो हम एक्स वाई नॉब से क्या करेंगे स्टिगमेटर से उसको ट्राई करेंगे कि वो जीरो हो जाए, मतलब मूव ना करें, जहाँ पर मूव करना बंद कर देगा वो आपका फोकस होना शुरू होता है। ये मैग्निफिकेशन से ये रिड्यूस एरिया आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब स्मॉल विंडो लेके अपने फोकस कर सकते हैं। बात आती है जोस्टिक, मतलब जो सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हैं वो बाई सॉफ्टवेयर में, या फिर जोस्टिक बाई रोटेशन में, ये अगर आप इसको अप करेंगे तो आपका स्टेज मतलब ये आपका जेड एक्सिस है, अप एंड डाउन ठीक है, डाउन मीन्स नीचे और अपमेंट, और ये आपका टिल्ट है, ये वाला यहाँ पे दिया है ये जेड और ये टिल्ट ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, और ऐसे करेंगे तो वाई डायरेक्शन में होगा, और इसको घुमा देंगे तो रोटेट होगा ठीक है। ऐसे अभी मैं दिखाता हूँ कि ये रोटेट है 92 डिग्री या तो इसको जीरो कर देता है